unlock need last last lecture mein we discussed about centrioles humne samjha ts of centriole aur q iske ts ko cartwheel structure kaha gaya hai right also we understood 9 plus 0 arrangement of microtubule found in centrioles now class as we discussed ki centrioles jo hain ye later transform hote hain basal bodies mein right which are going to result in the formation of cilia and flagella so in today's lecture we are going to have detailed study of cilia and flagella so let's get started now class cilia and flagella ultrastructure of both cilia and flagella is going to be same but they are going to differ on the basis of number size and function

राइट जस्ट अब द बेजल बॉडी प्रेजेंट रहेगा बेजल प्लेट एंड दर्ड वन इज शाफ्ट शाफ्ट में क्लास ये जो आपको नजर आ रहा है स्ट्रक्चर दैट इज एक्सोनीम और ये एक्सोनीम जो है इट इज सराउंडेड बाय अ शीत दैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड टुगेदर दिस एक्सोनीम एंड शीत फॉर्म्स शाफ्ट तो क्लास हम इस शॉफ्ट का ही टी एस स्टडी करते हैं राइट एंड वी अंडरस्टैंड अरेब्यूल इन केस ऑफ सीलिया एंड अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लाजुला यहाँ पे आपको नजर आएगा जब हमने टी एस लिया इस शॉफ्ट का राइट वी सो की आउटर मोस्ट कवरिंग जो है दट इज गोइंग टू बी द प्लाज्मा मेम्रेन और द सेल मेमब्रेन राइट साइटोप्लाज्म की पेरिफेरी में स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा दैट इज गोइंग टू बी बेजल बॉडी राइट और बेजल बॉडी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट रहेगा बेजल प्लेट एंड दैट इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ साइटोप्लाज्म राइट क्लास और बेजल प्लेट में एक इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक इंपॉर्टेंट कन्वर्शन होता है दैट इज चेंज ऑफ ट्रिपलेट फाइब्रिल यानी कि जहां पे तीन माइक्रोट्यूब्यूल ज्वाइन होंगे right they are going to get changed into doublet fibrils yani ki two microtubule apasme joint rahengi so conversion of triplet fibril to doublet fibril will going to be occur in case of basal plate that is present just above the basal body now class exoneme and sheath as we discussed together form shaft right यहाँ पे आपके प्रेजेंट रहेंगे शाफ्ट में जिसका हमने पढ़ना है, राइट? Right? राइटर में आपके प्रेजेंट रहेंगे वाइल सिंगलेट फाइब्रिल्स हियर यू कैन सी सेंटर में सिंगलेट फाइब्रिल्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट जिसकी वजह से इसका अरेंजमेंट हो जाता है नाइन प्लस टू राइट क्लास आपके पेरीफेरी में डबलेट फाइब्रिल्स प्रेजेंट है विच आर गोइंग टू बी 9n नंबर वाइल सेंटर में प्रेजेंट है दो सिंगलेट फाइब्रिल्स जिसकी वजह से सीलिया एंड फ्लैजिला शोस 9+2 प्लस अरेंजमेंट ऑफ माइक्रो टिब्यूल सो क्लास लेट्स अंडरस्टैंड द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रो टिब्यूल इन केस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला

राइट डब्लेट का मतलब है क्लास कि दो माइक्रोटिब्यूल, राइट माइक्रोटिब्यूल, राइट टुगेदर दे फॉर्म डब्लिट फाइब्रल तो इस तरीके से पेरीफेरी में नाइन डब्लेट फाइब्रेल प्रेजेंट दिसल एग्जो ने

राइट एंड दिस ए बी लिंकर इज कम्पोज ऑफ प्रोटीन दट इज नो ए माइक्रोटिब्यूल है इट इज गोइंग टू बी स्लाइटली नैरोज कंपेयर टू बी माइक्रोट्रिब्यूल राइट यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं टू आर्म्स आर प्रेजेंट दिस इज गोइंग टू बी द इनर आर्म एंड दिस इज गोइंग टू बी दउटर आर्म ऑफ माइक्रोटिब्यूल ए

अब क्लास एटीपी का ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी राइट नाउ दिस एनर्जी इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड इट इज गोइंग टू बी डायरेक्टेड इन द मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला सो बेसिकली डायनिन प्रोटीन की इस एटीपीज एक्टिविटी से जो एनर्जी रिलीज होगी उससे सीलिया एंड फ्लैजेला का मूवमेंट डायरेक्ट होगा नाउ क्लास हर माइक्रो ए से यू कुड सी ईच माइक्रो ए

इट कनेक्ट और इट इंटरैक्ट विद द सेंटर थ्रू ट्रांशन जंक्शन इनके बीच में एक ट्रांजिशन जंक्शन प्रेजेंट है जिसकी वजह से देड गेट कनेक्टेड टू देंटर सेंटर में क्लास राइट प्रेजेंट रहेंगे दो सिंग्लेट माइक्रोट्रिब्यूल यू कुड सी टू सिंग्लेट फाइब्रल्स यहाँ पे प्रेजेंट है राइट एंड दे आर गोइंग टू बी कनेक्टेड विद डबल ब्रिज बीच में इनके एक ब्रिज प्रेजेंट है विच आर डबल ब्रिज राइट तो इस तरीके से माइक्रो टिब्यूल की अरेंजमेंट आप देख रहे हैं शॉफ्ट में या फिर सीलिया एंड फ्लैजिला में दैट इज नाइन ऑन द पेरीफेरी नाइन डब्ल फाइब्रिल्स ऑन द पेरीफेरी एंड टू सिंगलेट फाइब्रिल्स ऑन द सेंटर सो द कंडीशन बिकम्स नाइन प्लस टू अरेन्जमेंट ऑफ माइक्रो टिब्यूल ने सेंट्रिय का स्ट्रक्चर पढ़ा था वहां पे आपने देखा था कि अरेंजमेंट था नाइन प्लस जीरो राइट नाइन ट्रिपलेट फाइब्रिल्स आपके प्रेजेंट थे पेरीफेरी में वाइल नो फाइब्रिल्स वर प्रेजेंट ऑन द सेंटर इसीलिए अरेंजमेंट था नाइन प्लस जीरो लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं बेजल बॉडी बेजल प्लेट एंड शाफ्ट राइट शाफ्ट का टीएस जब आपने देखा सो द अरेंजमेंट हैव बिकम नाइन प्लस पे नाइन जो फाइब्रिल्स प्रेजेंट हैं दे आर डबलेट फाइब्रिल्स राइट और सेंटर में प्रेजेंट रहेंगे टू सिंगलेट फाइब्रिल्स विच आर गोइंग टू बी कनेक्टेड बाय ब्रिज नाउ क्लास ये जो पार्ट है आपका नीट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इससे आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं यू शुड नो कि नाइन प्लस टू अरेंजमेंट में नाइन में कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं राइट right?

Arise ho they are going to be the inner arm and the outer arm composed of dynein protein and this dynein protein have atpase activity which will be utilized right for for the movement of cilia and flagella so klaus these type of questions can be asked in your need.

राइट right, बिकम्स 18 माइक्रोट्रिब्यूल्स राइट साथ ही आपको पता है टू सिंगलेट प्रेजेंट रहेंगे इन देंटर दैट इज टू टू वन टू माइक्रोट्रिब्यूल्स सो टूगेदर एडिशन ऑफ 18 एंड टू बिकम्स 20 माइक्रोट्रिब्यूल्स यानी कि एक्सोनिम और शाफ्ट में टोटल माइक्रोट्रिब्यूल्स जो प्रेजेंट है दीज आर ट्वेंटी सेम वे क्लास अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ माइक्रोटिब्यूल इन केस ऑफ सेंट्रियोल्स तो आपको पता है सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूल का अरेंजमेंट रहेगा नाइन प्लस जीरो वहां पे जो पेरी में नाइन माइक्रोटिब्यूल्स प्रेजेंट है वो है ट्रिपलेट फाइब्रिल्स यानी नाइन इंटू थ्री दैट इज ट्वेंटी सेवन और सिंस सेंटर में कोई फाइब्रिल्स प्रेजेंट नहीं है राइट सो देर इज नो एडिशन सो टोटल माइक्रोट्रिब्यूल्स आपके सेंट्रियोल में रहेंगे 27। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में सो इफ यू आर नोन विद स्ट्रक्चर, अगर आपको दोनों टी एस अच्छे से पता है अगर आपको स्ट्रक्चर डिटेल में पता है किसकी अरेंजमेंट कैसी है सो यू कुड इजिली फाइंड आउट द आंसर

प्लस जीरो अरेजमेंट राइट वहां पर नाइन आपके ट्रिपलेट फाइब्रेल्स थे बट द कन्वर्जन टेट में और उसके बाद और उसके बाद शॉफ्ट का जब हमने टी एस पढ़ा इट शोड नाइन प्लस टू अरेजमेंट ऑफ माइक्रोटिब्यूल राइट शोइंग नाइन डाबलेट फाइब्रल्स एंड टू सिंगलेट फाइब्रल्स इन द सेंटर So class, I hope you have understood the detailing of cilia and flagella. So stay connected and stay tuned for our next lecture, where we will discuss our last topic of the chapter, that is nucleus. So stay connected and stay tuned. Thank you and have a great day.